ऐड करके तमाम फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे लिखना है, या फिर क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको निकालना था एफ, निकालना है एफ का जो समेशन है, आंसर आपको यहाँ पर आ गया इसका 100 आ गया। और के बाद नीचे आपने क्या लिखा है? हेलो, सॉरी सर, ये 205 के बाद जो 12 के बराबर में आपने नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 225 है, 215 लिखो, 215 लिखो, 215, 210 प्लस 220 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 215। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपके पास है एक्स को आपने करना है, ऐड करना है, एमिशन ऑफ एक्स निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे करेंगे 165 प्लस 175 प्लस 185 प्लस 195 प्लस 205 प्लस 215 प्लस 225, आंसर इज 1365। फिर आपने निकालना है यहाँ पर समेशन ऑफ एफएक्स निकालना है आप लोगों को। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफएक्स आपके पास यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ एफएक्स 660 प्लस 2450 प्लस 3330 प्लस 5460 प्लस 4100 प्लस 2580 प्लस 900, आंसर इज 19480, 19480। यहाँ पर आपने समेशन ऑफ एफ भी निकाल लिया, समेशन ऑफ एक्स भी निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकाल लिया, और आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने यहाँ पर लिख ली। सॉरी जी जी, आपने यू निकाली ना फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करते गए प्रीवियस नंबर को। जी जी, 4 प्लस 14 आंसर इज 18। ठीक है, 4 14 18 आंसर इज 36। मतलब आपने इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आप अकाउंटिंग का एक टॉपिक है ना आपके पास जो होता है डेप्रिसिएशन, तो वहां पर आप वो निकाल रहे होते हैं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जस्ट आपने वैल्यूज को यहाँ पे एक्युमुलेट करना है, यानी कि ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अगर फर्स्ट करिए एग्जाम पेपर में आता है कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है? नहीं, वो तो एग्जाम्स में आता है, दी भी होगी। नहीं नहीं, वहां पे आपको उन्होंने दी भी होगी, दी भी होगी। जी जी, ये कभी कोई निकालने की चीज नहीं है, ये तो आप अगर उसमें जाएंगी कोई इस वगैरह के अंदर, तो वहां पे ही आपके पास दिया हुआ होगा कि आपने वो निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, वरना यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। यहाँ पर तो ये अगर नहीं देंगे फ्रीक्वेंसी, तो वो तो आपके पास वो बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये जो आपके पास ही क्या है, ग्रुप डेटा का सवाल है, तो वहाँ पे तो कंपलसरी है फ्रीक्वेंसी। और एग्जाम्स के अंदर वो आपको जो है हमेशा यही सवाल लेंगे, ग्रुप डेटा वाला। ठीक है, अच्छा ये हमने पूरा इसका चार्ट यहाँ पर बना लिया है, अब इसको अपने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहला आपके पास है मीन निकालना है आपको यहाँ पे, मीन का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, मिशन ऑफ एफ एक्स अबाउंट मिशन एफ, मिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एफ। जी, तो समेशन ऑफ एफएक्स आपने यहाँ पर अभी क्या निकाला था, 19480 19480 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, आंसर इज 100। यहाँ जो आपका है इसको आप डिवाइड करें, आपको मिल जाएगा 194.80। यहाँ आपको निकल गया, ये आपको निकल गया मीन, निकल गया आपके पास। ठीक है, अब आपको निकालना है मीडियन, मीडियन के लिए जो आपके पास
फॉर्मूला होता है वो है एल प्लस एच अपॉन एफ समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय टू माइनस सी एफ. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे ऐसे हैं एल सॉरी आपने क्या लिखा माइनस सी एफ. जी जी माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके ठीक है. अच्छा पहले तो आपको पता है कि मीडियन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है डेटा करना पड़ता है सिलेक्ट करना पड़ता है आपको डेटा. ठीक है वो आप कैसे करते हैं सिलेक्ट तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ मैं करके. आपने पहले भी किया था उसमें आप क्या करते हैं समेशन ऑफ एफ प्लस वन डिवाइड बाई टू यानी हंड्रेड प्लस वन हो गया डिवाइड बाई टू तो आपका जो आंसर वो आपको क्या आ गया 50.5. अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चीज चेक करनी है आपके पास कि 50.5 जो है वो किस वैल्यू के अंदर छुपा हुआ है. तो यहाँ पर ये आपको कहाँ मिलेगा जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है 64 दी हुई है आपके पास ये देखें. ठीक है तो 50.5 जो है नंबर वो यहाँ पर है इस नंबर के अंदर है वो. ठीक है ठीक है. जी जी आप इसमें जो जो डेटा करते हैं सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे तो आप क्या करते हैं कि समेशन ऑफ एफ प्लस वन डिवाइड बाई टू तो आपके पास 100 था 100 प्लस वन आंसर इज 101 डिवाइड बाई टू आंसर इज 50.5. तो ये जो नंबर आपके पास है 50.5 वो कहाँ पर है वो इस नंबर के अंदर छुपा हुआ है 64 के अंदर. यानी मीन्स जो आपने यहाँ पे डेटा करा है लेट वो कौन सा है 64 आपके पास डेटा. ठीक है देख लें आप यहाँ पे रेड से कर देता हूँ ये आपने डेटा यहाँ पे चूज कर लिया. ठीक है. अच्छा अब आप आ जाएं कहाँ पे इसको सॉल्व करने की तरफ. ठीक है एल एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री. तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री जो वो क्या आपके पास है 190 आपके पास यहाँ पे. ठीक है जी. अच्छा यहाँ पर आता आपके पास हाइट आती है. हाइट का मतलब होता है कि आपके पास क्लास बाउंड्री के अंदर जो दो वैल्यूज हैं इन दो वैल्यूज के अंदर डिफरेंस कितना है. तो 190 और 200 के बीच में डिफरेंस कितना आपके पास 10 का डिफरेंस है ना. 200 माइनस 190 आंसर इज 10. तो मींस आपके पास जो हाइट है वो क्या हो गई यहाँ पर 10 हो गई. ठीक है सही. अच्छा अब हम यहाँ पर सॉल्व भी कर लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ था एल मतलब कि लोअर क्लास बाउंड्री तो यहाँ पर क्या आपके पास 190 है. आपने लिख लिया यहाँ पर 190 प्लस 10 हाइट जो आपके पास वो 10 दी हुई डिफरेंस आपने यहाँ पे 10 एफ एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी. तो इस डेटा के अंदर आपके पास क्या दी हुई है जो फ्रीक्वेंसी वो आपके पास यहाँ पे 28 है. ठीक है तो आप यहाँ पे कर लेंगे कॉपी. हेलो 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 जी सर आवाज आ रही है मेरी. हेलो जी जी सही है आपकी जो कॉपी है ना वो जो पेज है वो मुझे हॉरिजॉन्टल आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा उसको सीधा करेंगे. मैं इसमें ही किसी सिस्टम को कर रहा हूँ सेलफोन से ही कर रहा हूँ मैं तो वो उसमें वो नहीं आ रहा है. हाँ ऐसे मैं इसको यूं रखूंगा तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा. मैं ट्राई मैं करता हूँ थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने. दो मिनट जरा सर ये बताइए सीएफ कैसे निकाला था ऊपर. सीएफ जो है आपके पास जी ये देखें ये लिखा हुआ था 4 4 यहाँ पर कॉपी हो गया 4 प्लस 14 आंसर इज 18 4 14 18 इन तीनों करेंगे ऐड तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 36 4 14 18 28 इन चारों करेंगे ऐड तो मिल जाएगा यहाँ पर आपको 64 मिल जाएगा.
ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ से ईसीएफ निकालने के लिए आप जो पीछे की तमाम फ्रिक्वेंसीज होती है उसको आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप उससे ऐड किया आपको पूरा मिल गया, पता आंसर मिल गया। अच्छा हम एक मिनट वेट करें, मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ये ठीक हो जाए, सीधा हो जी जाए, जी दो बिल्कुल मिनट वेट करेंगे आप। जी सर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 2। कुछ नजर नहीं आ रहा। सही, नीचे मीन जो निकाला था ये बताइएगा कितना वैल्यू वैल्यू पुट कर दी थी आपने? जी, मीन आप यहाँ यहाँ पे चेक करें, मैं आपको दिखाता ये हूँ स्क्रीन ऊपर की जगह पेज नजर नहीं आ रही इसकी। हाँ ये जी, सही। जी बिल्कुल मीन का आपके पास जो फॉर्मूला है वो जी है बिल्कुल समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे जब आपने निकाला हुआ था, जो fx निकाला उसको आपने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, नीचे लिखी भी है ये वैल्यू, सही है। सही और समेशन ऑफ f जो f लिखा हुआ था वो आपने वहां पे उसको ऐड किया हुआ है, ये लिखी हुई है वैल्यू 100 लिखी हुई है। तो आपने 1940 को डिवाइड किया 100 से, आपको यहाँ मिल गया आंसर 194.80, ठीक ठीक है। अच्छा ये एक ही सवाल में मीन मीडियन मोड तीनों निकाल लें? है। जी, सरयू तीनों निकालना है। सरयू ऊपर चार्ट में ये एक्स कैसे निकला, एक्स को जरा दोबारा बता दें। एक्स कैसे निकला है? ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज भी आपके पास दी गई 160 एंड 70, 160 प्लस 170 डिवाइड बाय 2, यानी इन दो वैल्यूज का आपने मीन निकाल लिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो आपको मिल गया यहाँ पे 165, ठीक है। और ये170 एफ प्लस कैसे निकला है? f तो आपके पास दिया हुआ था ना, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, मैंने आपको अच्छा वहां पे एफ सेंड गिवन है। किया। जी, पिक्चर सेंड किया आपको मैंने, क्वेश्चन के अंदर ओके बोलता ओके है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका अपन सॉल्व करना है, मीडियन निकाल लेते हम लोग यहाँ पे। जी मीडियन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैं तो अभी करूँ सॉल्व करूंगा, अच्छा आपके सामने करूँगा सॉल्व, मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एल लिखे हुआ थे लोअर क्लास बाउंड्रीज, आपने जो डेटा यहाँ पे किया था लेफ्ट किया हुआ था वहां पे आपने प्लस डी, ठीक है, वो आपने वैल्यू पुट कर दी। प्लस एच का मतलब होता है हाइट, यानी क्लास बाउंड्री के अंदर आपके पास इन दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है, ये 190 और 200 में, वो है 10 का डिफरेंस, 200 माइनस 190 आंसर 10, तो आपने 10 यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ था एफ, जो आपने डेटा किया हुआ है जो सिलेक्ट किया है वहां पे आप चेक करें, वैल्यू चेक करें, एफ की वैल्यू आपके पास 28 लिखी है, यहाँ पर पुट कर दी। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है समेशन ऑफ एफ, जो आपके पास सही कितना है। ये था जो रेड से, 100। जी, रेड से सर ये मैंने जो वो किया ना। रेड से आप जो निशान बनाया है ये बीच में जो जी वैल्यू सेलेक्ट की ये पूरी, ये क्या चीज़ है बताएंगे कुछ? जी जी मैं आपको मैं कर दूँ, बता दूँ। देखें, उस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है,
वो ऊपर देखें यहाँ पर टॉप पे मैंने लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ एफ प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। डेटा को आप जब भी करेंगे, आप डिडक्ट करेंगे, वो आप कैसे करेंगे कि आपने समेशन ऑफ एफ लिखना है, वो आपके पास 100 है, प्लस किया वहां पे 1, तो आपको मिल गया जो आपका आंसर है वो गया 101, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, आंसर आपके पास आ गया 50.5। अब ये जो लिखा हुआ है आपने ईसीएफ का जो कॉलम बना हुआ है, वहां पर आप चेक करेंगे कि 50.5 वो किस वैल्यू के अंदर है, ठीक है। तो वो वैल्यू कौन से आपके पास, वो वैल्यू है 64, क्योंकि ना तो वो यहाँ पर है 36 से वो बड़ा है, और 54 से छोटी जो है वैल्यू, वो आपके कौन सी है, 64 है। 64 वो देखकर आपने पूरा ये डेटा वो कर लिया, सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ये कहलाएगा क्या सर, जो आपने फार्मूला लगाया है 50.5 का आंसर जो है समीशन ऑफ एफ और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको कहेंगे क्या, इसको कहते हैं डेटा सिलेक्शन कहते हैं इसको, डेटा जी, डेटा कैसे करना है, सिलेक्ट करना है मीडियन के लिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ डेटा उस डेटा के ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं सी एफ कहते हैं। तो मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है 36, ये होगी यहाँ पर सी एफ, जो डेटा आपने लेट किया होगा उस डेटा के ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके कॉलम में वो होती है सी एफ, ठीक है। तो वो वैल्यू कितने पास है, 36 है आपके पास। तो वैल्यू अपने पुट कर दिए 36, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, 190 आपके पास आ गया, 190 प्लस 10 डिवाइड बाय 28, कब कर लें सॉल्व, 10 डिवाइड बाय 28 आंसर इज 0.357, 100 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 50 माइनस 36, ये आपका सही है 190 प्लस 0.357 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 36 आंसर इज 14, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 14 को 0.5 से आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे 5, 190 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर वो निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है।